What's up guys, this is Rahib from Techster and today I'm gonna talk about what are the speed boosters and adapters. So basically हमारी जो कैमरा कम्युनिटी है उसमें 80% लोग जो लेंस ओन करते हैं वो है कैनन लेंसेस, EF और EFS लेंसेस। उसका रीज़न ये है कि कैमरा बॉडीज़ बहुत हैं कैनन की, DSLR लाइन, मिररलेस तो बहुत बहुत रेयरली कोई दिख जाएगा मिररलेस आपको, ESR, RP या फिर M50, लेकिन जो DSLRs हैं वो 80% लोगों के पास कैनन के हैं। तो उसी का रीज़न ये है कि जब 80% DSLR होंगे तो उसके तकरीबन एक बंदे के बाद 3 या 4 लेंसेज होंगे कैनन के, स्विच करेगा, इसको सेकेंड सेल करेगा, न्यू परचेज करेगा, फिर सेल करेगा, तो मार्केट में रोटेट होते हैं। और कैनन के लेंसेज सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, और अगर मैं चाहूँ कि मेरा एक मिररलेस कैमरा, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो ल्यूमिक्स हो, फ्यूजी फिल्म हो, उस पे मैं कैनन के लेंसेज यूज़ करूं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है एडाप्टर। सो सबसे पहला आता है मैनुअल एडाप्टर। ये एक मैनुअल एडाप्टर होता है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिए हुए होते, मतलब इस लेंस के थ्रू मैं अपना एपर्चर, मैं अपना कोई भी ऑटो फोकस कैमरा, अपने लेंस का कॉन्टैक्ट अपने बॉडी से नहीं करा सकता सिवाय एक फिजिकल जॉइंट के। ये एक फिजिकल जॉइंट है सिर्फ, लेकिन बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन लेंस एंड बॉडी नहीं होती है। तो इससे ना आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये अच्छा होता है सिनी लेंसेज यूज़ करने के लिए, क्योंकि सिनी लेंसेज मैनुअल होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो उनके लिए एक अच्छा है ये। बाकी ये है कि फ्रॉग लेंस में अगर आप एक कांस्टेंट अपर्चर आप वाइड ओपन ही रखते हैं, या फिर 1.8, 1.4, 2.8 आपका वही रहता है, तो आप एक दफ़ा सेट करें, उसको निकालें और उसके बाद इस पर यूज़ कर लें, ये बेहतर होता है मैनुअल लेंस यूज़ करने का। और ये चीप भी बहुत होते हैं पाकिस्तान में, तो कराची में अगर एक बहुत मशहूर कोई दुकान है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये 8-8 हज़ार रुपये के मिलेंगे। बाहर अली एक्सप्रेस से मंगवाएंगे 1500 रुपये का मिलेगा। जब वो 8 हज़ार का बेचते थे तो मैंने 800 रुपये का मंगवाया था, खैर अब तो क्योंकि डॉलर वगैरह चेंज हो गए तो ये 1500 रुपये का आपको मिल जाएगा बआसानी। ये जो एडाप्टर है इसके पीछे होता है जो आपका कैमरे का माउंट होता है, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो माइक्रो फोर थर्ड हो, फ्यूजी हो, ये माउंट, ये जो लोहे का बना हुआ होता है ये माउंट जो है वो लगता है आपके कैमरे पे। ये होता है सिंपल EF कैमरे के लिए, मतलब EF लेंसेज के लिए। ये पिन नीचे करेंगे, ये हर मैनुअल लेंस है, मेरे सोनी के ऊपर भी अभी जो जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर भी मैनुअल एडाप्टर ही लगा हुआ है। इसको स्लाइटली प्रेस करेंगे ये लेंस के, सिंपल सा तरीका होता है। आप इसके अंदर कोई सा भी फुल फ्रेम हो, क्रॉप फ्रेम हो, वो आप इसके अंदर लेंसेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मिररलेस के लिए आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इवन कैनन का M50 है, उसका भी एडाप्टर आता है मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक, विल्ट्रॉक्स के सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ आती है स्पीड बूस्टर। अभी स्पीड बूस्टर क्या होता है, ये कौन सी एक नई चीज़ निकल आई है यार, अजीब से टर्म्स यूज कर सकते हैं, फोकल रिड्यूसर, स्पीड बूस्टर। अभी आप देख सकते हैं ये इसके बीच में लगा होता है ग्लास, ये ग्लास होते हैं मैग्नीफायर के तरह यूज होते हैं, लेकिन उससे बहुत हाई क्वालिटी का होता है। ये इसके अंदर बीच में लगा होता है ग्लास, और ये फुली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसपे आगे USB का पोर्ट दिया होता है, जिसका आप इसका फर्मवेयर ऑटो फोकस के लिए अपडेट कर सकते हैं, इसकी अपडेट्स आती है। ये इसके नीचे दिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इसके कम्युनिकेशन के लिए, जो लेंस से कम्युनिकेशन लेता है और बॉडी को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू अपर्चर से लेके लेंस की सारी सेटिंग, इवन आईबिस तक आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है विल्ट्रॉक्स, ये कॉमलाइट का 0.71x का मतलब है कि अगर मेरा माइक्रो फोर थर्ड का जो ये मेरा सेंसर है यह है 2x को अगर मैं 0.71 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1.43, 1.47 का
क्रॉप फैक्टर देगा जो 2x को बना देगा 1.43, जो एक APS-C से भी थोड़ा सा बड़ा सेंसर का साइज होता है। इसके अंदर ये 24,000 का है, इविल ड्रॉप्स का आता है, से दोनों सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं होता, 30,000 रुपये का ही 24,000 रुपये का कोई फर्क नहीं होता। ऑटो फोकस भी सेम, ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये फिक्स होता है, विलड्रॉक्स का हल्का सा हिल्ला होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि विलड्रॉक्स की तरफ मत जाइएगा, उसके अंदर कुछ फॉल्ट भी आता है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, वो आता है मेटाबोन्स का। मेटाबोन्स के अंदर जो है वो आपको फोकल रिड्यूसर भी मिलेगा सोनी के लिए, माइक्रो फोर थर्ड के लिए। उसके अंदर दो आते हैं 0.71, 0.64, 0.64 2x क्रॉप फैक्टर को 1.1 क्रॉप फैक्टर पे ले आता है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है फुल फ्रेम के। डाउन साइड इसके कुछ भी नहीं है, आपको क्वालिटी वही मिलेगी, स्लाइटली सी सॉफ्ट होगी जो आप पोस्ट पे इसको कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर विदाउट एक एडॉप्टर आता है, जो विदाउट स्पीड बूस्टर के मतलब फोकल रिड्यूसर के होता है, बीच में ग्लास नहीं होता, वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन लेंस एंड बॉडी उसके लिए यूज होता है। जिस तरीके से मेरा ये वाला अडॉप्टर है वो इस तरीके का होगा, बीच में ग्लास नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन पॉइंट्स दिए होंगे कि लेंस को, लेंस का आईपीस, लेंस के अपर्चर, सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए वो बॉडी तक पहुँचाएगा। तो ये दो इसके अंदर आपको मिलते हैं, स्पीड बूस्टर, तीन बेसिकली स्पीड बूस्टर, मैनुअल लेंस और खाली इलेक्ट्रॉनिक अडॉप्टर। तो ये तीन चीज़ें इसके लिए आपको मिल जाती हैं किसी भी मिररलेस को, मिररलेस के ऊपर कैनन या नाइकॉन। नाइकॉन में इलेक्ट्रॉनिक आपको नहीं मिलेगी, नाइकॉन जो है वो परमिशन नहीं दी हुई किसी भी कंपनी को कि आप किसके लेंस की कम्युनिकेशन वो अडॉप्ट कर सके। तो नाइकॉन में आपको मैनुअल लेंस मिलेगा, हाँ स्पीड बूस्टर भी मिलेगा, प्लस कैनन लेंसेज के लिए आपको सारे, जिसे कहते हैं कैनन लेंसेज, अडॉप्टेबल हो जाएंगे आपके मिररलेस लाइन में, A7 III, A7S, A7II, A7 III, A7R, A6300, 400, 500, जितने भी हैं 6600 सब अडॉप्टेबल। माइक्रो फोर थर्ड में लिए हुए G7, G9, GH4, GH5, GH5S, ब्लैक मैजिक पॉकेट 4 के सब जो है वो अडॉप्टेबल लेंसेस लगा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा डू बाय स्पीड बूस्टर, आपको यहाँ से सोनी के स्पीड बूस्टर नहीं मिलेंगे, वो अली एक्सप्रेस से मंगवाने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैं भी मंगवाता हूँ, अगर आपको मंगवाना हो मुझे भी बता दीजिएगा। बाहर से टाइम लगता है तकरीबन 2-3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आपका एक क्रॉप बॉडी फुल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती। आज की वीडियो के लिए यही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।